गोवा का नाम सुनते ही माइंड में पिक्चर बनती है बीचेस, डांस, ड्रिंक्स और वाटर स्पोर्ट्स की। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में गोवा की एक और पिक्चर ऐड हो जाएगी और वो होगी यहाँ के कसीनो की, जिसको काफी सारे लोगों ने शायद ही अंदर से देखा होगा। यूं तो यहाँ कई सारे कसीनो हैं, लेकिन मैं पहुंचा कसीनो के एक बड़े नाम डेल्टन में, जिसके 5-स्टार होटल डेल्टन स्वीट्स में मैंने स्टे किया। डेल्टन में मैं अब आपको अपने होटल का रूम दिखाता हूँ। ये पूरी गैलरी आप देख ही रहोगे, अमेजिंग है। और जैसा कि बड़े होटल्स में कार्ड से डोर्स वगैरह ओपन होते हैं, वैसे यहाँ पर भी है। और इसको कार्ड को आपको लगाना होगा यहाँ पे एक जगह पे, जिसके बाद लाइट्स ऑन हो जाएगी और आपके सामने ही रूम है। पर रूम इतना ही नहीं है, अब आपको यहाँ की चीज़ें आपको दिखाता हूँ, फीचर्स वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये आप देखिए, यहाँ पे छोटा सा किचन है जिसमें वॉश बेसिन है, इंडक्शन है, चिमनी है, और यहाँ पे जो भी कॉम्प्लीमेंट्री बॉटल्स वगैरह हैं वो हैं, चाय है, कॉफ़ी है, इलेक्ट्रिक केटली है। इसके अलावा यहाँ पे मिनी बार है छोटा सा फ्रिज में, जिसमें आपको कई सारी चीज़ें हैं और जिसके रेट्स भी आप देख रहे हैं ये अलग से होते हैं। 40 रुपीज़ की कुकीज़ वगैरह है, जूसेज हैं 100 रुपीज़ के, बियर वगैरह लेते हैं तो 250 से 300-400 रुपये जैसी भी आप लेते हैं। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ये बहुत बड़ा सा कैबिनेट है जिसमें आप ये देख रहे होंगे मेरे लगेज वगैरह रखे हुए, आयरन है, और यहाँ पे देख रहे होंगे लॉकर है, और ये आप देख रहे होंगे आयरन टेबल है, इसमें पिलो वगैरह भी रखी हुई है एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए तो काफ़ी बड़ा सा ये कैबिनेट आपको दिखेगा। इसके अलावा ये जो अब मैं आ जा रहा हूँ, ये पूरा एग्जीक्यूटिव एरिया है, क्योंकि ये रूम जो है वो एग्जीक्यूटिव सूट है। और यहाँ पे पेंटिंग्स भी जैसे कसीनो की होती है, चूँकि डेल्टन का नाम लोग कसीनो के नाम से ही जानते हैं, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं पेंटिंग्स भी उसी से रिलेटेड है। लैंप्स वगैरह यहाँ पे लगे हैं और आप आराम से बैठ के जो अपने लैपटॉप वगैरह पे वर्क यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आपको मीटिंग्स वगैरह करनी है अपने जो भी बिजनेस पार्टनर या जो भी आते हैं, चूँकि एग्जीक्यूटिव रूम है तो आप यहाँ आप शानदार लाइट्स के साथ और व्यूज के साथ बैठ के बिजनेस मीट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो एक अलग ही फील आएगा आपको। एयर कंडीशन रूम है, यहाँ पे भी एसी लगी हुई है और यहाँ पे टीवी भी दिखेगी आपको, ये बड़ी सी टीवी लगी हुई है। अब इसके बाद मैं आपको बेडरूम में ले चलता हूँ। ये तो पूरा एग्जीक्यूटिव एरिया हो गया और बहुत शानदार है। अब ये आप देख रहे होंगे पूरा ये किंग साइज जो बेड है वो आपको दिख रहा होगा, और इसके डोर दोनों साइड से हैं, इधर से भी हैं, मतलब दोनों साइड से है, और बड़ा सा ये मिरर लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे स्विचेस वगैरह यहाँ पे हैं, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं एसी को, फैन को, सबको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो लाइट्स हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ पे भी डेल्टन की पेंटिंग लगी हैं, जो कसीनो की होती हैं वो पूरी पेंटिंग यहाँ पे दिख रही है आपको। और जो ये रूम है ये भी एयर कंडीशन है और यहाँ पे भी अलग से एसी लगा हुआ है। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बालकनी का एरिया। बालकनी बड़ी सी है और यहाँ पे बैठ के आप ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पे स्मोकिंग वगैरह भी कर सकते हैं, उनके लिए ये भी है। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं जो बाथरूम है यहाँ का। बाथरूम ये आप देख रहे होंगे, ये है कैबिनेट, यहाँ पे कपड़े वपड़े जो आपको रखने हैं वो रख सकते हैं, वॉश बेसिन है, और हेयर ड्रायर वगैरह है, ड्रॉर वगैरह अलग से बनाए हुए हैं। यहाँ पे भी ये जो है आप देख रहे होंगे ग्लास के पूरा बाथरूम है, और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी कसीनो का जो ताश के जो होते हैं ना वो सारी सिंबल्स यहाँ पे बने हुए हैं। और ये टॉयलेट सीट वगैरह है, कॉल करना होगा अगर आपको इमरजेंसी में तो आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं बताऊँ, मुझे तो यहाँ पे सच में बहुत ही अमेजिंग फील आ रहा है। इस रूम में एक नाइट स्टे के लिए मैंने 5,000 रुपए दिए, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड था।
दोपहर में थोड़ा आराम करने के बाद शाम को होटल की व्हीकल पिकअप के लिए रेडी थी डेल्टन रॉयल जाने के लिए, जो कि एक क्रूज कैसीनो है। और 10 से 15 मिनट में ही मैं पहुंच गया पणजी में डेल्टन रॉयल के काउंटर पर, जहां पर मैंने कैसीनो की एंट्री फी पे करी। यहां दो तरह के पैकेज थे। पहला 3,000 रुपए में अनलिमिटेड इंडियन ब्रांड्स की लिकर, अनलिमिटेड डिनर और लाइव एंटरटेनमेंट के साथ, और दूसरा 4,000 रुपए में भी सब सेम था, बस इसमें आपको अनलिमिटेड इंपोर्टेड लिकर मिलती। टीम्स और किड्स के लिए एंट्री फीस 1,250 रुपए थी। हालांकि वीकडेज और वीकेंड के रेट थोड़े चेंज भी होते हैं। तो अभी जो भी सिक्योरिटी प्रोसीजर्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, और अब जो डेल्टन रॉयल तक जाने का माध्यम है, जो साधन है, वो है आपका बाई फेरी, और ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रॉपर, यहाँ से अभी जाएगी फेरी जाएगी, उसी से मैं जाऊँगा। और यहाँ पे कोई भी कैमरा ड्रोन कुछ भी अलाउ नहीं है, बट थोड़ा मेरा स्पेशल केस है इसलिए अलाउ किया गया है। आप यहां से मोबाइल और पर्स ही ले जा सकते हैं, बाकी सब जैसे बैग्स आपको यहां डिपॉजिट करना होगा। और फिर आपको ले जाया जाता है कैसीनो तक बाय फेरी, क्योंकि डेल्टन रॉयल पणजी के मांडवी रिवर में है। यहाँ पहुँचते ही लगेगा कि जैसे बस किसी लग्जरी लाइफ की ओर आप बढ़ रहे हैं, और सच भी यही था। डेल्टन रॉयल में टोटल 5 फ्लोर हैं, और हर फ्लोर पर कुछ न कुछ स्पेशल है। कैसीनो के अंदर आते ही बस मेरा मन अब करने लगा था कुछ खेलने को, और इसके लिए सबसे पहले लेनी होती है चिप्स। हर चिप्स के रेट्स अलग अलग होते हैं, और अगर आपको गेम्स नहीं भी आते हैं तो यहाँ पर डेमो काउंटर है, जहां आप गेम्स के बारे में जान सकते हैं कि कैसे खेलना है। जैसा कि मुझे यहां पर कोई गेम्स वगैरह का आइडिया नहीं है कि कैसे खेला जाता है, तो यहां पे एक डेमो टेबल है जहां पे आप पूछ सकते हैं कि कैसे आपको गेम्स वगैरह खेलने हैं, और उसकी आपको नॉलेज मिल जाएगी। मेरे साथ है यहां के एम्प्लॉय जो मुझे बताएंगे कि कैसे एग्जैक्टली खेलना है। कैसीनो वार एक काफ़ी पॉपुलर गेम है कैसीनो में, वो कैसे होता है? हाँ, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे आसान गेम, सबसे आसान गेम है, कैसे होता है ये बेसिकली? बेसिकली आपको वहाँ पर ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, बेटिंग ऑप्शन, 500 आपको बेट रखना है, ठीक है। अगर आप 500 बेट करते हैं, ओके, ऑप्स आपके लिए एक कार्ड देगा, दे दिया, ठीक है, और एक कार्ड अपने लिए लेगा, ओके, इसमें से जिसका बड़ा कार्ड होगा वही जीतेगा, ओके, मतलब 50-50 के चांसेस है, मतलब कि यहाँ पे इक्का रखा है और यहाँ पे किंग है, और किंग तो ऑलरेडी आपने बड़ा रखा हुआ है, इक्का सबसे बड़ा है, इक्का सबसे बड़ा होता है, मुझे तो कार्ड्स का भी आइडिया नहीं है ठीक से, तो इक्का सबसे बड़ा है, मतलब कि इससे बड़ा तो फिर कुछ होता नहीं है, नहीं, तो इसके बाद अगर सपोज इक्का ही आया तभी मैं जीतूंगा, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। अगर सपोज टाई हुआ, हाँ, टाई में फिर आपको और एक क्वीन देने हैं, अच्छा, इसके बाद सेकंड कार्ड में डिसाइड, ओके, तो टाई भी होता है और टाई के बाद भी डिसाइड होता है। एक गेम और मैंने यहाँ पे सुना हो, काफ़ी लोग को खेलते हुए देखा है, वो है अंदर बाहर, वो कैसे होता है वो मुझे जानना है। अंदर बाहर में
दो वेटिंग ऑप्शन रहेंगे, okay. एक अंदर एक बाहर, ठीक है. आपको डिसाइड करना है, पहले एक जोकर कार्ड खुलेगा, ठीक है. सपोज जोकर कार्ड खुला एट, अभी आपको डिसाइड करना है एट बाहर आएगा या फिर अंदर आएगा. ओके, ठीक है. एक एट खुल गया, अभी बाहर के तीन इधर है. ओके, जैसे पहला एट तो मुझे बाहर अगर लगाना है तो मीन्स सेवन होना चाहिए. नहीं, आपको सिर्फ बोलना है कि एट जो है वो बाहर होगा या अंदर होगा. तो सपोज आपने बाहर लगाया तो वो बाहर में एट आना चाहिए, वो जो तीन एट है उसमें से, तो आप जीते हो, नहीं तो नहीं जीते. बाहर या अंदर? ओके, बाहर. बाहर ये बाहर. ओके, अंदर में आ गया. तो बाहर मतलब मैं हार गया, यहाँ पे मैं हार गया. तो ये आप देख सकते हैं कि गेम्स इस तरह से होते हैं, 50-50 के इस गेम में भी चांसेस है, और पिछले गेम जो मैंने कसिनो वॉर का भी बताया था उसमें भी ऐसे चांसेस है. तो इस तरह से गेम है. और कौन कौन से गेम्स होते हैं आपको? और जो पॉपुलर है सारे वर्ल्ड में वो है रूलेट. रूलेट जी. अच्छा, रूलेट में आप खेल सकते हैं, वहाँ पर नंबर रहता है 1 to 36. ओके, वहाँ पर आपको चूज करके रखना है. अच्छा, अगर सपोज आप पर्टिकुलर नंबर चूज करते हैं, अगर वो नंबर हिट हुआ, राउंड होता है राउंड टेबल, ओके, वो नंबर हिट हुआ तो 35 गुना आपको मिलेगा. आप बहुत सारे जो मूवीज या देखते होंगे उसमें गोल गोल चक्कर रूलेट कहते हैं, मुझे आज तक नाम भी नहीं मालूम था. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और छोटा अमाउंट आप लगा सकते हैं. आप आए अगर तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ लाखों हज़ारों में खेलें, आप 500 से मिनिमम 500 से भी खेल सकते हैं. और ठीक है, थोड़ा बहुत ट्राई करना चाहिए ना, लग कभी कभी पता चल जाएगा. 500 से ही लग ट्राई करें, हो सकता है 500 के हज़ार आपको मिले. कसिनो में गेम्स के बाद भूख तो लग ही गई थी, इसलिए पहुँच गया अनलिमिटेड फूड्स के पास, और अब पेट से पैसा वसूलने की बारी थी. यहाँ वेज और नॉनवेज के लिए अलग अलग काउंटर्स बने हुए थे. आप चाहें तो टॉप फ्लोर पर भी डिनर और ड्रिंक्स लाइव एंटरटेनमेंट के साथ कर सकते हैं. डेल्टन के मैं अभी काउंटर पे हूँ, और कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानना आपके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर आप एंट्री कैसे कर सकते हैं और क्या क्या पैकेज हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे मेरे पास कार्ड है, और सर आपका नाम क्या? मयूर. मयूर जी हैं, मुझे बताएंगे कि एग्जैक्टली कैसे एंट्री होती है और क्या क्या चीज़ें हैं. फिलहाल जो है हमारे पास तीन टाइप के पैकेजेस होते हैं. ओके, एक पैकेज जो है ये रेगुलर है. ओके, उसके बाद हमारा प्रीमियम पैकेज आता है. ओके, और ये VIP. ओके, ये जो रेट रेगुलर पैकेज जो है वो 2000 वाला है. ओके, और 3000 का प्रीमियम पैकेज. और हाँ, तो रेगुलर में हमें क्या मिलता है? रेगुलर में आपको 2000 में 1000 के नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स मिलेंगे. अच्छा, ठीक है. प्रीमियम में आपको 3000 में 1500 के पॉइंट्स मिलेंगे. ओके, 4000 जो है उसमें आपको 2000 के पॉइंट्स मिलेंगे. 2000 के पॉइंट्स मिलेंगे. और इसमें आपको डिनर ड्रिंक्स स्नैक्स जो भी है सब फ्री. सब में सब है. ये सब में 2000 में भी सेम है जी सर. इसमें खाली अल्कोहल ये जो है रेगुलर पैकेज में आपको अलग कलर का बैंड मिलेगा. आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो बैंड के साथ होता है. हाँ, जैसे कि मेरे मुझे मिला हुआ है यहाँ पे, मुझे रेड मिला हुआ है. रेड जो है ये VIP पैकेज. ये VIP पैकेज है, मतलब कि इसमें सारी चीज़ें अनलिमिटेड. यस, प्रीमियम पैकेज जो है उसमें ग्रीन कलर का बैंड आता है. ओके, तो आइडेंटिफिकेशन करने के तो थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंट होता है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है. मैं इसकी पिक डाल दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली किसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूजन्स है और क्या क्या एक्सक्लूजन्स है. बाकी अनलिमिटेड डिनर तो हर में है, सब में अवेलेबल है, और अनलिमिटेड ड्रिंक्स भी है, उसमें थोड़े से टर्म कंडीशंस हैं, और बाकी लाइव एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलेगा. कुल मिला के आपके लिए पैसा वसूल हो जाएगा. और अगर आप थोड़ा खाते पीते हैं, थोड़ा ड्रिंक करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इसमें पैकेज भी अलग अलग दिए हुए हैं, और उसमें आप गेम्स वगैरह भी प्ले कर सकते हैं. कसिनो में जाने के लिए ड्रेसेस का ध्यान जरूर रखें, और फॉर्मल शर्ट टी शर्ट जीन्स और शूज ही पहनें. स्लीपर्स हाफ पैंट यहां अलाउ नहीं होते हैं. कसिनो 24 आवर ओपन होता है, लेकिन इवनिंग का टाइम सबसे ज्यादा रश वाला होता है, और यहां केवल डिनर ही होता है. डेल्टन रॉयल के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेल्टन जैक कसिनो का टूर कराऊंगा, और लाइव कसिनो में गेम्स भी खेलूंगा, और साथ ही काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी.
दोस्तों ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।